जा रहा है कि आरजेडी के दबाव के कारण नीतीश कुमार कहने के लिए बहुत कुछ कर, गुजरात में भी नीतीश कुमार और आरजेडी के दबाव में कुछ फैसला हुआ है, उसको जाके देख लीजिए। माला पहना के कुछ लोग छोड़े गए हैं वो आरजेडी और नीतीश कुमार के दबाव में। क्या बिल्किस बानी से जी 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 उसी केस के तरफ हमारा संकेत। अब आप बाहर हैं, बिहार में आपका राजनीतिक सफर भविष्य में किस तरीके से लोग देखेंगे? वो समय आने दीजिए, बैठेंगे मित्रों के साथ, जो बुरे दिन के साथी हैं उनके साथ, फिर बैठ करके जो हजारों लोग हैं हमारे, लाखों समर्थक हैं, बुलाएंगे मुख्य मुख्य लोगों को और फिर तय करेंगे क्या करना। क्योंकि आपको लेकर बीजेपी भी सॉफ्ट है, उन्होंने भी आपकी रिहाई को लेकर पहले हाँ बोल चुके। ये कब तक फैसला आप लेंगे जेल से वापस आने के बाद? क्या हाँ अभी तो मांगलिक कार्यों के लिए निकले हैं, फिर जेल जाना है, लौट के आएंगे, रिहाई पर जब ठप्पा लग जाएगा, शादी विवाह से निवृत्त हो जाएंगे तो फिर लोगों को बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे जो कुछ फैसला होगा। आपका राजनीतिक सफर जिंदा रहेगा? अब मर तो नहीं गया, जेल में भी रहने के बाद मरा तो नहीं है, वो तो आप समझ रहे होंगे। मरे हुए लोगों को क्यों लोग पूछेगा? परिवार को लेकर किस तरीके से पूरी सहानुभूति है मेरी? देखिए, इस पूरे मामले ने दो घर को चौपट कर दिया। हाँ, एक लवली आनंद के परिवार को, दूसरा उमा कृष्णैया के परिवार को, झेले हम ही लोग, बाकी तो सब वैसे। आपकी रिहाई को लेकर मायावती ने सवाल खड़े किए कि एक दलित डीएम की हत्या हुई थी, किस तरीके से मायावती के इस बयान को आप रिएक्ट करते हैं? कौन मायावती? हम नहीं जानते मायावती को, हमने पहले कहा कि कलावती को सुने थे सत्यनारायण भगवान की पूजा में, हाँ बराबर कलावती और किसका किसका नाम आता है मायावती नहीं जान रहे, और क्या बोली वो तो जाने नहीं, समझे नहीं, वो उसका वक्त भी नहीं है हमको ध्यान देने। नीतीश कुमार अभी जो कर रहे हैं विपक्षी एकता को लेकर, किस तरीके से इसको आप देखते हैं? वो अपने मुहिम में है, मैं समझता हूँ कि देश में एक सशक्त लोकतंत्र का तकाजा है एक सशक्त प्रतिपक्ष, अगर ऐसा नहीं होगा तो देश में तानाशाही अवश्यंभावी है। तो व्यक्ति पूजा नहीं, विचारधारा की पूजा हो और लोकतंत्र में एक मजबूत केंद्र, सत्ता के खिलाफ एक मजबूत प्रतिपक्ष भी होना जरूरी है, लाजमी है। एक वक्त था जब आप लालू के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, आज आपके अग्रवाल लालू यादव के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं, लगता है कि 24 में ये लोग तमाम लोग। अच्छा एक बात बताइए, इसको पूछते हैं, आप लोग इतने चैनल वाले हैं है ना, अभी थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाए तो दूसरा चैनल में जाइएगा कि नहीं? एक ही चैनल से सब हैं सदा के लिए। अनिकेत बोल रहा था इसके पहले हम दूसरे चैनल में थे, कहाँ अनिकेत पूछिए हैं? सब लोग, आप लोग चैनल चेंज कर सकते हैं, ये लोग पार्टी चेंज नहीं करें।